हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के विवाद पर पहली बार करण जौहर कॉफी विद करण के होस्ट सामने से आकर टिप्पणी देते हुए सारी बातों को क्लैरिफाई करते हैं। कॉफी विद करण का कोई भी सीजन हो, यहाँ आने वाले हर गेस्ट से चटपटी बातें करण करते हैं, जिसका इंटरेस्ट एक्साइटमेंट काफी ज्यादा होता है दर्शकों में। वहीं इसी सीजन में एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ खास क्रिकेटर से जुड़ी हुई। कॉफी विद करण में अपनी बातों के कारण क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल एक बहुत ही बड़े विवाद में फंस गए थे अपनी आपत्तिजनक बातों के कारण, जहाँ पर ना सिर्फ इंडिया की ऑडियंस ने उन्हें ट्रोल किया बल्कि ये बात बीसीसीआई तक पहुँच गई, जिसके चलते उन पर कार्यवाही भी हुई है। हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही थी, लेकिन करण जौहर अब तक शांत थे। पर अब सामने से खुद करण जौहर ने इस टिप्पणी पर क्लियर कर दी है सारी बातें, जहां पर अपने रिसेंटली देखे गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरह से वो खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे इंसिडेंट के लिए। करण ने कहा कि मुझे ये बात क्लियर करनी है कि मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ, वो मेरा प्लेटफॉर्म था और वो मेरे गेस्ट थे, शो के कारण हुई सारी मुश्किलों विवादों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। करण ने बताया कि किस तरह से वो कई रात तक जाते रहे और सोचते रहे कि भला वो इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे और इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल में लाए जो ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। आगे बात करते हुए करण ने बताया कि यही सेम सवाल मैं शो के अंदर आए हुए हर लड़के और हर लड़की से पूछा हूँ, हर एक सेलिब्रिटी इस सवाल के जवाब देते हैं, लेकिन मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे सवाल पर है ना कि जवाब पर, जहाँ पर इस जवाब के चलते ही इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। साथ ही साथ सफाई देते हुए करण ने कहा कि पोस्ट प्रोडक्शन टीम में भी काफी सारी महिलाएं हैं जिन्हें ये बात आपत्तिजनक नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और ना ही इसे एडिट किया गया। वेल, जो भी हुआ उसका उन्हें काफी ज्यादा अफसोस है। करण ने कहा कि इन क्रिकेटर के साथ जो हुआ उस पर मैं अफसोस जरूर जाहिर करता हूँ, लेकिन इस पर अब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि शो की टीआरपी बढ़ गई है, लेकिन एक इंग्लिश शो की टीआरपी के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी टीआरपी हमेशा ही ऑलरेडी हाई होती है। पर करण इस बात से काफी ज्यादा दुखी है कि उनके शो के चलते दोनों क्रिकेटर्स की लाइफ में इतना बड़ा नया मोड़ आया है। वेल, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।